नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। अस्पताल परिसर में जलती मिली लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां, आखिरकार कौन और क्यों जला रहा था इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयां? नेटवर्क में वैसे तो रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल वालों के लिए इससे मुफीद दिन शायद ही कोई हो, क्योंकि रविवार के दिन मरीजों का आना जाना बंद रहता है, इसलिए अस्पताल में वह अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मरीजों के लिए आई लाखों रुपए की कीमती दवाइयां चिकित्सा प्रभारी के कार्यालय के पीछे जलाई जा रही थी। दवाइयों के लिए जलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अस्पताल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कुछ दवाइयों को उठाकर बोरे में भरकर लिया गया, लेकिन लाखों रुपए की दवाइयां आग के हवाले किसने की, इसकी जाँच होनी आवश्यक है। रविवार को सरकारी अस्पताल परिसर में चिकित्सा प्रभारी के कार्यालय के पीछे आग के ढेर में लाखों रुपए कीमत की दवाइयां जलती हुई मिली। जांच टीम गठित कर दोषियों पर होगी कार्रवाई। प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर अधिकारी डॉक्टर आशीष आर्य ने बताया कि दवाइयां जलाई जाने का मामला संज्ञान में आया है। दवाइयों के रखरखाव एवं स्टॉक की जिम्मेदारी सिर्फ चीफ फार्मासिस्ट सजाउद्दीन अंसारी के पास है। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए डॉक्टर मोहित कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दवाइयां जलाई जा रही थी, लोगों को अस्पताल परिसर में दवाइयां जलाए जाने का पता चलने पर उन्होंने जलती हुई दवाइयों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने की जानकारी होते ही दवाइयों ने 300-400 मीटर की दूरी पर कैसे तय की। सरकारी दवाइयों का स्टॉक रूम सी पैच सरकारी दवाइयों का स्टॉक रूम सी HC में बना हुआ है। वर्तमान में स्टॉक की जिम्मेदारी चीफ फार्मासिस्ट सजाउद्दीन अंसारी के पास है। जलती हुई दवाइयों की एक्सपायरी डेट भी वर्ष 2025 बताई जा रही है। दवाइयों की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। अधिकांश दवाइयां जलकर राख हो गई थी। जलाई जा रही दवाइयां बच्चों को दिए जाने वाले आयरन आदि बताई जा रही। गरीबों के हिस्से की दवाइयों को आग के हवाले कर दिया गया। आग में जल रही दवाइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।